विधानसभा क्षेत्र कालका के खेड़ा सीताराम कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। इस समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने आप जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल से बातचीत की। रंजीत उप्पल ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और उन्होंने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया कि इस समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, संबंधित विभाग से बातचीत कर समस्या का हल करने के भरसक प्रयास करेंगे। इस दौरान वहां पर शामदत्त, हीरा देवी, कमला देवी, शीला देवी, हीरा, माया, रवि सिंह, रमन, तुषार, रमेश, नेहा, शुभम, रेनू, अखिलेश, दीपक, निधि गुप्ता मौजूद रहे। पानी के दिक्कत हम लोगों को बहुत ज्यादा है ना जी। पानी दो दो बजे रात को, बारह बारह बजे रात को पानी में हम लोग बैठ के इंतजार करते हैं। किसी दिन सुबह सुबह चार बजे पाँच बजे पानी आता है, उसमें भी कितनी दिक्कत है हम लोग के। एक दिन छोड़ के आ रहा है पानी, पूरा नहीं हो रहा है पानी हम लोग के। हाँ जी, पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, पूरा नहीं हो रहा है, बहुत कम पानी आ रहा है। और कोई दिक्कत? और ये गर्मी देखिए, कभी गाड़ी आओ तक कूड़े का, कभी आते नहीं, नाली सब उधर साफ होता, इधर होते नहीं। नाली वाले तो इधर बिल्कुल नहीं आते, कूड़े की गाड़ी पहले आते नहीं, नहीं नाली साफ करने वाले। एक दिन फोन करके बुलाए उनको, साफ करो, इधर नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पूरे एरिया में पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी आता है, जब छोड़ते भी हैं ये अधिकारी पानी, तो रात को 12 एक बजे छोड़ते हैं। मुझे ये बताया जाए, मैं प्रशासन और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 12 एक बजे रात पानी छोड़ते हो तो कैसे लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं और कैसे ये लोग रात को पानी भर लेंगे? और सब लोग ड्यूटी वाले हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं, रात को सोना होता है तो बेचारे सो जाते हैं। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी है, अब बरसातें शुरू होगी, छोटी छोटी गलियां हैं और गलियों के अंदर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं और जो पानी है, पानी की निकासी कोई नहीं है और वो पानी, गंदा पानी गलियों में खड़ा रहता है। उसी गंदे पानी से मच्छर पैदा होता है, उसी मच्छर से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बीमार हो जाते हैं। मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये पानी की जो दिक्कत है, सुविधा है, इनको इमीडिएटली हल करा जाए और यहाँ कूड़े वाला और झाड़ू वाला प्रॉपर इस एरिया में, खेड़ा सीताराम में झाड़ू वाला डेली यहाँ लगाना चाहिए। तो बात यह है कि जब बरसात आती है तो यहाँ बहुत सारा पानी आ जाता है, तो नीचे पहाड़ नीचे जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, ये कैन पड़े हैं खाली, पानी पीने वाला पानी जो है वो इनको मिल ही नहीं रहा और दो दो दिन, तीन तीन दिन पीने वाला पानी नहीं आता। अगर ये पीने वाला पानी छोड़ते हैं लोग और प्रशासन के अधिकारी रात एक बजे पानी छोड़ते हैं, बताओ रात एक बजे कौन पानी ऊपर उठ के अपना पानी भरेगा? और पानी की, पीने की बहुत सारी दिक्कत है और जो पानी है पीने वाला वो प्रॉपर देना चाहिए और वो पानी पीने वाला जो है उसका टेस्ट भी होना चाहिए। पहले भी तीन चार बार मैंने स्टेटमेंट दी थी कि पीने वाले पानी का टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जो टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट है कभी भी दिखाते नहीं है। तो मेरा सरकार और प्रशासन से मांग है कि पीने वाला पानी की सुविधा पूरे ऊपर सीताराम खेड़ा में, पीने वाले पानी की सुविधा में बहुत दिक्कत है और पूरे पंजाब कालका में ही दिक्कत है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी भारी दिक्कत है। सरकार और प्रशासन से मांग है तो वो पीने वाला पानी जरूर दें।